بسم الله الرحمن الرحيم إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن لن نترك حفظ القرآن. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ہوپ سو یو آل ول بی فائن. اب ہم نے کلاس 7 کا لیکچر 4 اسٹارٹ کرنا ہے, جو آپ کی ایکسرسائز 8.2 اور آپ کی بک میں جو پیج نمبر مینشن ہے وہ 103. ہم نے 1-2 کوشچنس کر لیے ہیں, اب ہم کوشچن نمبر 3 کریں گے. کوشچن نمبر 3 کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے, وٹ شوڈ بی ایڈیڈ ٹو. हम ये क्या है, ये एक पॉलीनोमियल है. पॉलीनोमियल मैंने आपको बताया क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर्स हों तो हम उसको पॉलीनोमियल बोलते हैं. अगर मैं x की पावर -1/2 ले लूँ तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होगा. तो आपने सिर्फ पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो हम उसको पॉलीनोमियल बोलते हैं. वट शुड बी एडिड टू, इस पॉलीनोमियल में हम क्या ऐड करें टू गेट कि हमें ये मिल जाए. अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉलीनोमियल लिखूँगी, देन सेकंड पॉलीनोमियल लिखूँगी, फिर इसको एक एग्जांपल से समझाऊँगी. फर्स्ट पॉलीनोमियल क्या है, एक्स सेवन माइनस एक्स सिक्स एक्स फाइव एक्स फोर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस एक्स प्लस वन. एंड सेकेंड पॉलीनोमियल क्या है, एक्स सेवन प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स थ्री माइनस. ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो पॉलीनोमियल्स यूज़ हो रही हैं. एक पॉलीनोमियल को हमने फर्स्ट पॉलीनोमियल बोल दिया एंड सेकेंड को हमने सेकेंड पॉलीनोमियल. अब वो कह रहे हैं फर्स्ट पॉलीनोमियल में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि हमें ये मिल जाए. अब आप एक बात तो ये सोच लें कि ये अर्थमेटिक नहीं है कि हमें फ़ौरन से समझ आ जाए, ये अलजबरा है, अलजबरा के रूल्स कुछ होते हैं. लेकिन मैं इसको समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इस पॉलीनोमियल को मैं 7 कह देती हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू 7 दे देती हूँ, और इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू 10 दे देती हूँ. ये फर्स्ट पॉलीनोमियल हो जाएगी, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा एंड ये सेकेंड. अब वो कह रहे हैं कि हम 7 में क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि हमें 10 मिल जाए. ठीक है, सवाल क्या है, हम 7 में ऐसे क्या चीज़ ऐड करें कि हमें 10 मिल जाए. तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3. इसका मतलब हम 7 में अगर 3 ऐड करें तो 10 आएगा. अब इसी तरह हमने इसको लेना है कि हम इस पॉलीनोमियल को 7 की जगह यूज़ करेंगे और इस पॉलीनोमियल को 10 की जगह यूज़ करेंगे. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी यही कहेंगे कि अगर हम सेकेंड पॉलीनोमियल में से फर्स्ट पॉलीनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आंसर आएगा, अगर वो इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी तरह हमने बस यही काम करना है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड पॉलीनोमियल में से फर्स्ट पॉलीनोमियल को. अब हम यहाँ पहले सेकेंड पॉलीनोमियल लिखेंगे, सेकेंड पॉलीनोमियल याद रखना सेकेंड, क्योंकि 10 यहाँ से आप समझते रहें साथ साथ. एक्स सेवन एक्स फाइव प्लस एक्स थ्री माइनस वन, देन क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट पॉलीनोमियल को. और ये मैंने बताया था कि अगर किसी पॉलीनोमियल के बाहर माइनस आ रहा हो तो हम ब्रैकेट लगा कर उसको लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है. एक्स सेवन माइनस एक्स सिक्स प्लस एक्स फाइव माइनस एक्स फोर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये फर्स्ट पॉलीनोमियल तो एज इट इज़ रहेगी. सेकेंड पॉलीनोमियल के बाहर माइनस है, ये सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा. एक्स सेवन के साथ प्लस सेवन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. यहाँ इसके साथ माइनस है, ये प्लस एक्स सिक्स हो जाएगा. ये प्लस है, माइनस एक्स फाइव हो जाएगा. ये माइनस है, ये प्लस एक्स फोर हो जाएगा. प्लस माइनस एक्स थ्री, यानी चेंज कर देने सारे साइन. माइनस प्लस एक्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस
माइनस वन, ठीक है। इस माइनस ने सारी पॉलीनोमियल को चेंज कर दिया। अब हमने क्या करनी है, अब एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स की होती है, तो हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए एक्स सेवन है सबसे पहला, अब आपने पूरी इक्वेशन में एक्स सेवन ढूंढना है। ये देखिए एक्स सेवन, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सेवन को लिख देंगे पहले एक्स सेवन। अब यहाँ देखें एक्स सेवन के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस एक्स सेवन। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, सेवन के बाद हम सिक्स, एक्स सिक्स पूरे आपने पॉलीनोमियल में ढूंढना है। ये है साइन कौन सा है, प्लस एक्स सिक्स, फिर एक्स सिक्स और देखें और नहीं है, फिर और फिर से सिक्स के बाद उससे डिसेंडिंग पे जाएंगे फाइव, तो आप पॉलीनोमियल में फाइव ढूंढेंगे, एक्स फाइव साइन कौन सा है, प्लस एक्स फाइव, फिर आगे जाएँ निशान लगाते रहें, ये देखें माइनस एक्स फाइव साइन ज़रूर ध्यान से, फिर ढूंढें एक्स फाइव नहीं है, अब फिर फाइव से फोर पर आ जाएं, एक्स फोर बाकी नहीं है, थ्री पर आ जाएं, प्लस एक्स थ्री और देखें, माइनस एक्स थ्री और देखें नो, अब फिर एक्स टू पर आ जाएं, प्लस एक्स टू, एक्स टू के बाद और नहीं है, अब एक्स वन माइनस एक्स एंड देन लास्ट कॉन्स्टेंट, माइनस वन कॉन्स्टेंट है एंड माइनस वन कॉन्स्टेंट। इस तरह से आपने अपनी, मेरी ये पता नहीं एरोप्लेन लैंड हो रहा है, खैर आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लास्ट पर लिख देना है, ठीक है। ये आपकी पॉलीनोमियल आपकी अरेंज हो गई। अब अरेंज होने के बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है। आपने क्या, मैंने क्या कहा था, अगर दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हों और उनके साइन ऑपोजिट हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल, देन एक्स सिक्स क्योंकि कोई नहीं है, प्लस एक्स फाइव माइनस एक्स फाइव सेम टर्म्स साइन ऑपोजिट कैंसिल, एक्स फोर एक ही है तो वो इसी तरह आ जाएगी, एक्स थ्री दो हैं देखें सेम टर्म्स ऑपोजिट साइन कैंसिल, देन एक्स टू ठीक है, फिर देन माइनस एक्स भी एक है। अब ये देखें माइनस वन और माइनस वन, मैंने कहा था सेम साइन हो तो हम एडिशन करते हैं, वन और वन की एडिशन टू, और साइन कौन सा लगता है जो दोनों के साथ हो, तो माइनस टू। तो ये इसका रिक्वायर्ड, ये इसकी रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल आ गई कि अगर हम इस वाली पॉलीनोमियल में ये वाली पॉलीनोमियल ऐड करें तो हमें ये मिल जाएगा, और हमने यही करना था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर की क्या स्टेटमेंट है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलीनोमियल टू गेट दिस। अब वही बात है, वो कह रहे हैं कि हम इस पॉलीनोमियल में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ये आ जाए, तो वही बात, इसको आप सेवन कह लें, इसको आप टेन कह लें, सेवन में हम क्या ऐड करेंगे टेन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टेन फर्स्ट सेवन, आंसर हमारा थ्री आ जाएगा। अब देखें हम सेवन में थ्री ऐड करेंगे तो टेन आ जाएगा ना, इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है। फर्स्ट पॉलीनोमियल की जगह मैंने पूरी फर्स्ट पॉलीनोमियल लिख लिया है, सेकंड पॉलीनोमियल की जगह मैंने सेकंड पॉलीनोमियल लिख लिया है, मैंने आंसर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, सेकंड माइनस फर्स्ट का रूल यूज़ करूँगी, तो पहले मैं सेकंड पॉलीनोमियल लिखूंगी। ये बात याद रखना, आप फर्स्ट नहीं लिख सकते, अगर आप फर्स्ट लिखोगे तो दैट्स मीन आप सेवन लिख रहे हो, आपने ये चीज़ लिखनी है, तो आप सेकंड पॉलीनोमियल को पहले लिखेंगे, विच इज़ फाइव एक्स फोर वाई क्यूब प्लस टू एक्स थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस नाइन। आप क्या लिखनी है, फर्स्ट माइनस का साइन, अगर प्लस होता तो मैं शायद ये ब्रैकेट ना डालती, लेकिन माइनस है तो मैं ब्रैकेट डालूंगी, देन टू एक्स फोर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर, ठीक है। अब ये सेकेंड पॉलीनोमियल होगी, ये फर्स्ट पॉलीनोमियल, फर्स्ट पॉलीनोमियल को ओपन करेंगे, फाइव एक्स फोर वाई क्यूब, फर्स्ट पॉलीनोमियल एज इट इज़ लिखेंगे, टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस नाइन। अब इस पॉलीनोमियल के बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ प्लस था तो ये माइनस टू एक्स फोर वाई क्यूब, यहाँ माइनस है ये चेंज होकर, प्लस
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस, 3x स्क्वायर वाई और ये माइनस है ये भी प्लस 4। आप क्या करेंगे, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में किस तरह करनी होती है लाइक टर्म्स की, तो हम यहाँ पे लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। अब देखें यहाँ पे कोफिशिएंट जो भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर है x 4 यानी x की पावर 4, y की पावर 3। तो अब हमने ऐसे ही पॉलीनोमियल ढूंढनी है जिसकी x की पावर 4 हो और y की पावर 3 हो। अगर नहीं होगी तो इसी को रहने देंगे, बाकी लिख देंगे, लेकिन हम ढूंढ लेते हैं शायद हो। x की 3 है नहीं, 2, ये देखिए x की पावर 4 y की पावर 3, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5x4 y3, अब इसके साथ साइन, माइनस 2x4 y3, फर्स्ट हो गई। अब देन सेकेंड, आप देख लें हम जब अरेंजमेंट करते हैं ना तो हम एक चीज़ अपने माइंड में रख लेते हैं कि हम अगर दो या तीन कोफिशिएंट्स आ रहे हों, x, y और z, इस तरह से तीन कोफिशिएंट आ रहे हों या दो कोफिशिएंट आ रहे हों, तो हम एक माइंड में चीज़ रख लेते हैं कि हम x के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर लें या y के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर लें। तो यहाँ जो मैंने अपना क्राइटेरिया देखा है, मैंने देखा है कि मैं ना x को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ, यानी x 4 है ना, इसके बाद मैं x 3 की टर्म्स ढूंढूंगी, देन x 2 की टर्म्स ढूंढूंगी, यानी मैं x के लिहाज से इनकी ऑर्डर लिखूंगी। अब ये देखें इसका ऑर्डर क्या है, x 3 y स्क्वायर, अब ये ढूंढना है, ये देखें, ये देखिए x 3 y स्क्वायर। अच्छा अगर ये हो ना x स्क्वायर y 3 तो भी रॉन्ग है, हमें बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ वही वेरिएबल्स और उनकी पावर्स चाहिए, x 3 y स्क्वायर, तो x 3 y स्क्वायर प्लस 2 x 3 y स्क्वायर एंड यहाँ से प्लस x 3 y स्क्वायर। मैंने कहा था मैं x को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, 4 आ गया, 3 आ गया, अब x 2, अब ये देखें x 2 y और है x 2 y, तो प्लस x 2 y प्लस 3 x 2 y, अब x 2 के बाद x 1 कहीं पर भी नहीं है, देन लास्ट पर हमारे कॉन्स्टेंट हैं माइनस 9 और प्लस 4, ठीक है। अब सिर्फ हमने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ देखें प्लस साइन है, यहाँ देखिए माइनस साइन, मैंने कहा था जब भी ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन उस वैल्यू का यूज़ करते हैं जो बड़ी हो। पहले इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 2, 3, सिर्फ कोफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाकी वेरिएबल्स ऐसे ही रहते हैं। साइन कौन सा लगेगा दोनों में जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी 5 है उसके साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव ही। नेक्स्ट 2, साइन सेम मतलब एडिशन, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, तो इनकी एडिशन क्या आएगी, 3x³ y² और साइन कौन सा लगेगा जो दोनों के साथ है, प्लस। अब ये दोनों साइन सेम मीन्स एडिशन, यहाँ कोफिशिएंट 1 और यहाँ कोफिशिएंट 3, तो क्या आएगा 4x² y, और साइन कौन सा आएगा जो दोनों के साथ है, दोनों के साथ प्लस। अब ये देखें ऑपोजिट साइन या माइनस या प्लस, ऑपोजिट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन करनी है, 9 में से 4 माइनस किए 5, और साइन कौन सा लगाऊँ यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो या माइनस 5, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलीनोमियल टू गेट दिस। अब देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, अब तक हमने जो सवाल किए थे यहाँ पर एडिड आ रहा था, अब यहाँ वर्ड आ गया सब्ट्रैक्टेड। अब वर्ड सब्ट्रैक्टेड आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो चेंज होगा। अब इसको पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ जो आपके आप लोगों को ज़्यादा समझ आती है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब आप इसको समझ लें ये 10 है, टू गेट दिस, अब आप इसको समझ लें 3 है। अब हम 10 में से क्या माइनस करें कि हमें 3 मिल जाए, क्या बात हो रही है कि हम 10 में से क्या चीज़ माइनस करें कि हमें 3 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पर चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्शन की वजह से, ये चीज़ चेंज हो जाएगी फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट के नीचे आ जाएगा ये फर्स्ट है ना 10, सेकेंड के नीचे आ जाएगा ये सेकेंड है ना 3, तो 10 माइनस 3 7, तो हम अगर 10 में से 7 माइनस करें तो ये वाला रिक्वायर्ड आंसर यानी 3 आंसर आएगा। तो बस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो चीज़ का फ़र्क आया वो ये था कि जब हम ऐड कर रहे थे तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉलीनोमियल लिख दिया हमने, सेकंड पॉलीनोमियल, अब हमने क्या करना है फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट लिख दी देन सेकंड लिख दी, ठीक है, इसके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे।
अब हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 3x³y³ + 10xy - 9। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के बाहर माइनस है, माइनस अब ये सारी पॉलिनोमियल के साइन को चेंज कर देता है, तो चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, एंड यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस। ठीक है, ये चीज़ हमारी बन गई। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। देखिए हम यहाँ एक्स, अब मैं यहाँ पर ऑर्डर 5 का रखूँगी, यानी 5, फिर x4, फिर x3, x2। ठीक है, मैंने यहाँ ऑर्डर 5 ले लिया, मैं y भी ले सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। ऑर्डर को अरेंजमेंट आपने देना है, आप x के साथ देना चाहते हैं x के साथ दे दें, y के साथ देना चाहते हैं y के साथ, मैं x के साथ दे रही हूँ। अब x5 y5, तो मैं इनको पहले लिख लूँगी 5xy y5। ठीक है, x5 y5, देन माइनस है इसके साथ, माइनस का साइन, x5 y5। अब 5 से मैं 4 पर जाऊंगी, 4 हमारे पॉलिनोमियल में नहीं है, स्किप कर देंगे, 4 से 3 पर जाएंगे। अब ये देखें x3 y3, तो माइनस 3x3 y3 एंड माइनस 7x3। x3 के बाद x2 पर जाऊंगी, x2 हमारी पॉलिनोमियल में नहीं है, देन x1, तो ये देखें x1 प्लस 10xy प्लस 11xy, देन कॉन्स्टेंट माइनस 9 एंड माइनस 19। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, ऑपोजिट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन किसकी, कोफिशिएंट्स की, 5 - 3 = 2। साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, तो एज इट इज़। नेक्स्ट टू टर्म्स, सेम साइन, सेम साइंस मीन एडिशन, इसका मतलब 3 और 7 की एडिशन होगी, दैट इज़ 10x³ y³। और साइन कौन सा लगेगा एडिशन में, जो सेम होता है, यानी दोनों के साथ होते हैं। लास्ट सेम साइन, सेम साइंस मीन एडिशन, 10 + 11 = 21, इनके वेरी कोफिशेंट एक्स वाई सेम, साइन कौन सा लगेगा जो दोनों के साथ है, दोनों के साथ प्लस है। जब हम एडिशन करते हैं तो साइन वो लेते हैं जो सेम होता है, और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन हम वो लेते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। सेम साइन, सेम साइंस मीन एडिशन, 9 और 19 = 20 और 28। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी, साइन कौन सा लगेगा जो दोनों के साथ है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल आ गई। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपके 3 ही क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको आ जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।